एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और मैं व्लॉग बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ क्योंकि 3 दिन से मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए मैं व्लॉग 3 दिन के बाद शुरू कर रहा हूँ। मतलब 3 दिन के बाद, मतलब व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो रहा, न्यू व्लॉग। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और ब्रेकफास्ट में मम्मी ने आज एक खास चीज़ बनाया है। ये मम्मी ने यहाँ पे फिलहाल वेज चाउमीन बनाया है। और मम्मी आप हाथ से क्यों खा रहे हो, चम्मच से खाइए ना। ठीक है, आपसे खाने में मजा ही अलग है। आपको मजा आता है हाथ से खाने में। मैं तो गाइस चम्मच से खा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट में नानू भी आ रहे हैं, तो जल्दी से आइए फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। गाइस हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, और हम लोग बाहर इसलिए थोड़ी बहुत घूमने के लिए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में तो हम लोग मतलब घर में बैठ के हम लोग तो बोर हो चुके हैं, तो थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाएंगे और कुछ सामान खरीदने तो वो भी खरीदेंगे। तो गाइस अभी हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था घूमने के लिए, तो कुछ सामान खरीदने करेंगे। तो मेरे साथ नानू और मम्मी भी है। सो लॉकडाउन में बहुत बोर नहीं हो गए तुम लोग? हाँ, तो इसलिए हम लोग जरूरत है। तो आप लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब बाहर जाने का आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कीजिए म्यूजिक के साथ। के टाइम भी यहाँ पे बहुत सारे लोग जन आ रहे हैं, उतना भी नहीं आ रहा लेकिन आ रहे हैं बहुत सारे जन। पहले तो और भी ज्यादा लोग जा रहे थे। हम लोग यहाँ पे ऑटो में बैठे हैं और सामने की तरफ फ्लाईओवर भी दिख रहा है, तो अब लोग आप भी घूमेंगे मतलब, और मतलब थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करेंगे। शॉपिंग मतलब कुछ सामान खरीदना होगा उस टाइप का शॉपिंग हम लोग करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खरीदना होगा तो तभी खरीदेंगे। गाइस अभी हम लोग सबवे से जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल सबवे से, यहाँ पे सबवे में भी बहुत भीड़ है, लॉकडाउन है। लॉकडाउन मतलब अनलॉक तो हो चुका है लेकिन कोरोना तो नहीं गया ना, अभी भी हाँ खाली है लेकिन कभी कभी लोग आ रहे हैं। अभी हम लोग सबवे से उस पर आ चुके हैं, बस अभी थोड़ा बहुत सीढ़ी है, उस पर मम्मी और नानी जी भी आ रहे हैं, तो चलते इधर। तो कोविड में हम लोग बहुत दिन बाद आए मम्मी, है ना? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को भी तो अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद। हाँ मम्मी तो बीच बीच में कभी कभी ऑफिस जाती है, मैं लेकिन मैं तो बहुत दिन बाद निकल रहा हूँ, मैं तो घर में ही रहता हूँ। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे बहुत सारा ये बस सब आ रहे हैं, और लोग भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और मैं भी यहाँ पे घूम रहा हूँ। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और अभी मैं फिलहाल घर जाऊंगा, और आज हम लोग बहुत ही ज्यादा घूमे, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किए। तो गाइस हम लोग अभी उधर से आ चुके थे, और उसके बाद हम लोगों ने लंच भी कर लिया था, और अभी हो चुका है फिलहाल शाम, और मम्मी यहाँ पे आज मम्मी डिनर में क्या है,
मम्मी आज डिनर में क्या है बताएंगे एक बार। डिनर में रोटी है थोड़ा ये तड़का लेकर तड़का। अच्छा क्या तड़का लेकर आओ? एक तड़का एक तड़का उधर अच्छा है मिलता तो है लेकिन अच्छा तीन दिन दुकान है। अब बोलो कौन सा दुकान से लाऊं गाइज। एक तो हम लोगों के यहाँ पे तीन तीन दुकान है तो हम लोग बहुत बड़े कंफ्यूज हो जाते कहाँ से ले कितना का मतलब क्वांटिटी क्या है मतलब को अच्छा है कि नहीं बुरा है पैसा मतलब दाम कितने हैं ये सब सोचने लग जाते हैं। एक घंटा दो घंटा तो ऐसे बीत जाता है। तो मम्मी कौन सा दुकान से लाऊं? ये आलिशा से। आलिशा अच्छा तो हम लोग अभी जा रहे हैं निकल आते हैं तड़का। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर और बाहर जाके देखते हैं कौन से दुकान से मैं लेता हूँ आली। मम्मी ने तो बोला आलिशा अगर आलिशा खुला होगा तो लेंगे तो बंद होगा तो कोई और दुकान से ले लेंगे। वहाँ पे तड़का के साथ मैं यहाँ पे मिठाई की दुकान पर आया हूँ तो सोच रहा हूँ मैं कौन सा मिठाई दूँ। तो भैया जी यहाँ पे गुलाब जामुन कितने का है? 10 रुपया। अच्छा गाइस 10 रुपया है भाई प्राइस बड़ा महंगा है गाइस। तो एक काम कीजिए आप ये 6 रुपए वाला ये जो मिठाई है ये दे दीजिए। तो गाइज ये खाऊंगा तड़के के साथ तो मजा आ जाएगा रात को। गाइज अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ और डिनर में जैसा कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पे रोटी तड़का और यहाँ पे मिठाई है। इसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं छाना जिलपी। सो ये बहुत ही अच्छा मिठाई है। गाइज अभी मैं फिलहाल रोटी टेस्ट करूंगा देखते हैं रोटी का और तड़का का मतलब तड़का टेस्ट करूंगा रोटी के साथ देखता है कैसा टेस्ट है। तड़का तो बहुत ही अच्छा गर्म और एग तड़का है तो इसमें एग डाला है और साइड से धनिया डाला है और तड़का तो हो गई। हाँ तो गाइस यहाँ पे फिलहाल बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका अनबिलीवेबल बहुत ही अच्छा टेस्ट। और मैं भी थोड़ा सा मिठाई खा लेता हूँ देखते हैं कैसा छाना और जिलेबी कैसा है। गाइस ये भी बहुत अच्छा है। सो अभी तो फिलहाल मैं ये डिनर एंजॉय करूंगा और आज का ये ब्लॉग मैं ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगा इधर ही एंड करता हूँ मैं आज का ये ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना और जो भी चैनल पर न्यू है जल्दी से जाइए सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को मिर्ची डाल लीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन वो दबा दीजिए और 5 वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा अगर मैं कभी भी एक न्यू वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब में तो सबसे पहले आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो तो वो बिल्कुल भी सही है। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही मिलता है नेक्स्ट ब्रांड न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।